नमस्कार दर्शकों, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चले कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका लगा है और पीडीपी के बड़े नेताओं ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। अगर नज़ीर लावे की बात करें, जो राज्यसभा के सदस्य थे पीडीपी के कोटे से, उन्होंने भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया और साथ ही साथ में मुजफ्फर हुसैन बेग की पत्नी सफीना बेग ने भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ करके दामन थामा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। एक बड़ा डेवलपमेंट है। उसके अलावा भी कितने मुर्तजा खान समेत बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ करके पीसी का दामन थामा है, यानी पीसी लगातार मजबूत होती जा रही है। और जो स्लोगन लेके हम पीडीपी बनाने वालों में से बुनियादी लोगों में से थे, हमारा स्लोगन ये था कि जम्मू कश्मीर में सियासत के बड़े बड़े जो पेड़ थे उनमें घुन और बिच्छू लग गए। पत्रवादी के मामले में शबीर, देखो यार, आई विल टेल यू, मुझे नहीं मालूम है सरकार क्या कर रही है, लेकिन एनओसीज तो पहले भी थी, राइट? अगर कोई नया नो विच स्कूल्स हैव बीन रीनेम्ड और विच हैव नॉट बीन रीनेम्ड, बट नो, हम किसी रीनेमिंग के इसमें हक में नहीं। वी डोंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी बिलीव ऑन इन एक्शन ऑन ग्राउंड। ये रीनेमिंग से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक इकट्ठे काम किए हैं, लिहाजा हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोन साहब से जुड़ गए। लेकिन पीडीपी का जहाँ तक ताल्लुक है, पीडीपी मुफ्ती साहब के बाद बिखर गए और आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नज़ीर लावे को हमने पीडीपी का एमपी बना दिया। मैं नज़ीर लावे जो हूँ, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, मैंने दो बार इलेक्शन लड़ा है और सबसे नंबर वन जो वोट टर्न हुआ कश्मीर में वो मेरा हुआ। उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं जो मुर्दे लोग हैं, जो रिटायर हुए लोग हैं, उनको मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर बना दिए और घर के फैमिली के लोग बना दिए। ये अब तो ग्राउंड पर बात चलेगी, आने वाले काल में आपको पता चलेगा कि हमको पीडीपी ने क्यों निकाला है। उनको मेरी प्रॉब्लम थी साउथ कश्मीर में, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, उनको डर लगता था मुझे, कल के इसका बेटा, कल ये खुद दोनों बाप बेटे ये न समझें कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे और दूसरा मिनिस्टर बनेगा। इनको डर है, आपको पता होगा मेरा बेटा जो है वो बारेटला है और वो नेशनल डिबेट में आपके साथ करता है। इख्तलाफ वहीं से बढ़ गए क्योंकि मेरे बेटे को इन्होंने रोक लिया था कि शायद ये नेशनल डिबेट में नहीं आए। आने वाले काल में पूरा खोल दूँगा टाइम पर, क्योंकि महबूबा जी मुफ्ती साहब की बेटी है, मेरी बहन है। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे क्यों निकाला गया, वो मैं सीक्रेट रखता हूँ। अगर मुझे इजाज़त कर देंगे तो मैं पूरे मंजर पर लाऊँगा। दर्शकों, सजाद गनी लोन हो या फिर अल्ताफ बुखारी, दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कहीं ना कहीं ये झटका दिया जा रहा है और ये दोनों ही पार्टियां लगातार पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर के कर रही हैं कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। 370 पर दोनों ही पार्टियां खामोशी साधे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने तीखे सवाल पूछा, ये देखते हैं उनका क्या कहना है। होती है, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं। आप जो बाद में बताएं, आप कहेंगे ज्यादा अगर इन्होंने किया, देखो तो ज्यादा क्या, देखो अगर देखो अगर उन्होंने बार बार यही कहा हमने इन पर एहसान किया, हमने फैज साहब और इन पर एहसान किया, उस एहसान के बदले में बता दूंगा ये कितने क्या किस महमाम में है, कितने नंगे हैं, मैं खोल दूंगा। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, अगर ये कोई रिएक्शन करेंगे तो मैं दिखा दूंगा फिर। मतलब आप रिएक्शनल सियासत करना चाहते हैं? हां करूंगा, मुझे क्या है, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे क्यों नहीं करूंगा। मैं हर एक रिएक्शन करता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हूं मैं, कांग्रेस के खिलाफ हूं मैं, बीजेपी के खिलाफ हूं मैं रिएक्शन नहीं करूंगा। हम मर रहे हैं 5 अगस्त 2019 से, हमारे बच्चे जेलों में पड़े हैं, यहाँ जमात इस्लामी के बड़े बड़े लीडर जेलों में पड़े हैं, उनको नहीं छुड़ाना है। हमारे नौजवान बच्चे जिन्होंने पत्थर उठाया या किसी मामूली केस में, वो तो तिहाड़ जेल में है। फिर मुझे बता दिए रिकॉर्ड है या नहीं है, आपको खुद पता चलेगा। हमारे पास रिकॉर्ड भी है, अभी मैं देख रहा था व्हाट्सएप पर क्या हो रहा है, जो प्रोटेस्ट मैंने किया और फैज साहब ने किया, बाकी तो 3 MPs जो यहाँ थे लोकसभा के, उन्होंने क्या किया, खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, हमारा साथ ही। 5 अगस्त का फैसला हुआ तब आपने क्या किया? तो उसी वक्त मैं वही बोलता हूँ, जब हमने प्रोटेस्ट जो भरपूर प्रोटेस्ट किया जम्मू कश्मीर के लोगों को, अगर हमें हमारे से उम्मीद थी, जो प्रोटेस्ट हमने किया वो निकाल दो, वो क्लिप निकाल दो, आपको पता चलेगा हमारे से क्या हुआ, हमने कितना प्रोटेस्ट किया। लेकिन हम बेबस थे, एक तरफ 250 से ज़्यादा लोग थे, दूसरी तरफ हम दो आदमी थे।
दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, एक बड़ी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, बड़े बड़े नेताओं ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, कौन कौन से ये नेता हैं और क्या पीसी इससे मजबूत होगी? देखिए, जम्मू कश्मीर में सियासी तब्दीलियां कब, किस तरह, किस नवियत की होंगी, ये कहना कबल वक्त होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लीडरान जब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने लगे हैं तो मामला थोड़ा सा हसास है। नजीर अहमद नावे को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने राज्यसभा मेंबर की हैसियत से 35 से 370 की मनसूखी के बाद पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेसी मुर्मू की यहाँ की आमद पर उनके उस तकरीर में हिस्सा लिया था, जिसके बाद लगातार नजम शिकनी या इंडस फिल्म के मामले को लेकर पीडीपी ने नजीर अहमद लावे को पार्टी से बरतरफ किया था, जिसका एतराफ खुद आज नजीर अहमद लावे ने किया। उन्होंने कहा कि वो छोड़े नहीं बल्कि उन्हें निकाला गया है। फयाज अहमद मीर को जब राज्यसभा मेंबर बनाया गया उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने बड़ा तनकीज किया था नजीर अहमद लावे और फयाज अहमद मीर को पार्लियामेंट में भेजकर, जिस जगह पर जहानी अरुण जेटली जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह बैठा करते थे, वहां पर और मुख्तलिफ लोग होने चाहिए थे, यानी उमर अब्दुल्ला का इशारा साफ था। इसके बाद 35 से 370 के खात्मे के बाद मुजफ्फर हुसैन बेग के खानदान के साथ भी पीडीपी की दूरियां पड़ी और दूरियां इस कदर बढ़ी कि आज सफीना बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। खतर दीन पंचाल के मैंडर इलाके से सबक एमएलसी पीडीपी के सीनियर लीडर जो मुजफ्फर हुसैन बेग के बड़े करीबी माने जाते हैं, मुर्तजा खान ने भी आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। हालांकि उन्हें पीडीपी छोड़ने के बाद कुछ वक्त तक कांग्रेस में भी काफी वक्त गुजारा, जिसके बाद जो थे जम्मू कश्मीर और श्रीनगर कॉर्पोरेशन के निशान वार से उन्होंने एक बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, दोबारा छोड़ा, बाद में अनबन हुई, जिनेंद्र मत्तू के साथ एक ही पार्टी में जब दो लीडर रहने लगे थे, आज उन्होंने भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और भी अहम सियासी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर से है, आइंदा कुछ दिनों में हो सकता है कि वो भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलहदा होकर अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो जो दो तरह के हैं, नॉर्थ कश्मीर का जो इस वक्त पॉलिटिकल ग्रिड बन रहा है उसमें पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली सेगमेंट्स के हिसाब से अब लीडर जो है अपनी पार्टी और अपने मुस्तकबिल का फैसला करने लगेंगे। इस बीच में जब आप विधानसभा के इंतखाबात की बात करते हैं तो सगरामा से अगर सफीना बेग आती है तो बारामूला से इन्हें अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करना होगा। पार्लियामेंट के लिए हो सकता है की आइंदा कुछ दिनों में मुजफ्फर हुसैन बेग जो है इस पार्ट को हेड करेंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। हालांकि रखा था सिर्फ इसलिए कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ठीक है लेकिन उन्हें अलग दावत जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिली है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में आइंदा कुछ दिनों में और भी लीडरान जो है अपनी पार्टियां बदलने का सिस्टम जारी रखेंगे, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से लीडरान का जाना, एक तरफ अपनी पार्टी दूसरी तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में लगातार सिलसिला जारी है, जो कि महबूबा मुफ्ती के लिए आइंदा कुछ दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो जमुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक पॉलिटिशियन फैसला लेते हैं कि मुझे किस पार्टी में जाना है, यानी उससे पता चल जाता है कि दिल्ली के साथ किस पार्टी की नज़दीकियां ज़्यादा हैं। आज हम देख रहे हैं, आंकलन करते हैं कि अपनी पार्टी के दिल्ली से ज़्यादा नज़दीकियां हैं या पीसी की ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं। जब ज्वाइनिंग को देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीसी की नज़दीकियाँ भी अब लगातार दिल्ली के साथ बढ़ती जा रही हैं। देखिए विनोद जी, 35 से 370 के एब्रोगेशन के बाद ये दो पार्टियां रिशेप, रिडिजाइन और रिलॉन्च हुई। हालांकि अपनी पार्टी का डेब्यू ही था, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपनी पार्टी को दोबारा उस मैयार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तोड़ कर उम्मीदवार जो लाए जा रहे हैं वो पीडीपी से। आप दिल्ली से कितनी दूरियां अपनी पार्टी की है या नजदीकियां हैं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, जिसका जवाब महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले कहा, उन्होंने कहा कि हमारे वर्कर्स पर, उनके क्वार्टर्स तक लिए जाते हैं, उनके लिए उनके जो के मिनिस्टर थे, विधायक थे और बड़े हसास इलाकों में रहते हैं श्रीनगर में, वो बड़े महसूस है। और पीडीपी पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा दबाव है, जिसकी वजह से या तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस या तो अपनी पार्टी, क्योंकि यही दो पार्टियां जो 35 के खात्मे के बाद मर्ज वजूद आई। और लेकिन एक बात जरूर है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आज की इस लीडरशिप के आने के बाद क्या वोटरान उनकी तरफ मायल हो जाएंगे या इंडिविजुअल फेसेस ही एक पार्टी से चले गए दूसरी पार्टी में आ गए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती दोबारा कहती है कि वर्कर जो हमारा है वो खड़ा है, लेकिन लीडर को अपनी मजबूरियां हैं, अपनी परेशानियां हैं और अपना फैसला वो कर लेते हैं लोगों से पूछे बगैर। अपनी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी उभर रही है जिसका मरकज श्रीनगर है और इस पार्टी का पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मरकज नॉर्थ कश्मीर है और नॉर्थ कश्मीर में कंस्टिट्यूएंसी वाइज और जिस लीडर को जगह नहीं होगी पार्टी में जाने की, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह का इंतखाब करेगा।
लेकिन दोनों पार्टियों के इस वक्त जो ज्वाइनिंग इतने बड़े जोरों पर है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कार्ड बड़े क्लोज रखे हैं और अभी उन्हें ज्यादा ज्वाइनिंग का अभी तक कार्यक्रम नहीं दिए, लेकिन पीडीपी में भी कुछ अहम लोग जो है आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या पॉलिटिशियंस को ये भरोसा है कि मार्च तक चुनाव हो सकते हैं? जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन का टेन्योर मार्च में खत्म होने वाला है। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ लीडरशिप को है बल्कि आम लोगों की भी राय है कि फिलहाल इंतखाबात जो है डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। लेकिन क्या मार्च के बाद इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे, फिलहाल ऐसा आसार नजर नहीं आते। लेकिन जिस वक्त एक लीडर माइग्रेशन कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, तो उसको रेजिडेंशियल क्वार्टर का भी ख्याल रखना है, उसको सिक्योरिटी और गार्ड का भी खास ख्याल रखना है। जिस पार्टी से इस वक्त दिल्ली की दूरियां हैं, हो सकता है 2 महीने के बाद नजदीक ना हो जाएंगे। उस वक्त कहीं ना कहीं लीडरशिप जो है बड़ी अपने पॉलिटिकल करियर पर पछताएंगे तो नहीं, लेकिन जो भी है फिलहाल इंतखाबात दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इंतखाबात 1 साल में 6 महीने में 8 महीने में अगर आप कराते हैं तो मुझे लगता है कि तैयारियों का समय भी आपको मिलना चाहिए और एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का फलसफा आम लोगों तक समझाने में भी 5-8 महीने का वक्त बचाइए। तो जमुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फिरदौस टाक, जो स्पोक्स पर्सन है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। फिरदौस, ऐसा माना जा रहा है कि आज जो है एक झटका पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लगा है। लावे, सफीना और मुर्तदा, ये तीन बड़े नेताओं ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ करके पीसी ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, इसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका तो मुझे नहीं लगता कहीं से लगा है, क्योंकि ये वो लोग थे जो पिछले 2 साल से, जब से दफा 370 को हटाया गया है, तब से ये पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं थे। और इनफैक्ट जो इनके इनमें से दो हैं, उन तो पार्टी ने उस वक्त एक्सपेयर किया था जब पार्टी ने इन दोनों को कहा था कि आप 370 के विरोध खत्म करने के विरोध में इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उसके बाद उनको एक्सपेल किया गया था। तो ऐसा नहीं है, राजनीति है, कोई कहीं भी जा सकता है, बट ये है कि इसको कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। जी। ये लोग पिछले 2-3 साल से सिर्फ इंतजार में थे कि इस जमात में जाए या उस जमात में जाए, तो जो आजकल की राजनीति है उसमें तो यही है कि आपको कुछ लोगों को दिल्ली जो है वो कान पकड़ के इस तरफ ले जा रही है, कुछ को उस तरफ ले जा रही है। पहले एक पार्टी तैयार की जाती है, फिर दूसरी तैयार की जाती है, फिर तीसरी तैयार की जाती है, तो इससे पीडीपी को धचका जो है वो किसी भी सूरत में नहीं लगा है। यानी जो केंद्र का एक मूव है ये माना जाए, जैसे आप कह रहे हैं दिल्ली का मूव है। आप दोबारा बोलेंगे? आप ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली का मूव है, दिल्ली के कहने पे हो रहा है ये सब कुछ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो हो रहा है वो सबके सामने है। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को पुश किया जाता है, फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पुश किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की जो रीजनल वॉइस है उसको कमजोर करने की कोशिशें हैं कि एक कंसोलिडेटेड वॉइस जो है जम्मू कश्मीर की ना हो। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि ये राजनीति, जो राजनीतिक दल है और जो राजनेता है उनकी इंडिविजुअलिटी होती है, उनका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और चॉइस होती है कि वो किस जमात में जाके वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत क्लियर मौकफ है कि हम लोगों ने जो जंग शुरू की है उसमें हमें मालूम है बहुत सारे साथी हमसे छूट जाएंगे, बहुत सारे साथियों को जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा, तो ये चीजें होंगी और हम इन सब चीजों के लिए तैयार हैं। फिर दोस्त, क्या आपको लगता है अपनी पार्टी और पीसी में ज्वाइनिंग ज्यादा हो रही है, क्या ये दोनों ही दिल्ली के नजदीक है? देखिए, मैं शायद की जो है किसी पार्टी को दिल्ली के नजदीकी या दिल्ली से दूरी के बारे में नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरी इतनी ज्यादा दृष्टि नहीं है कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी कर पाऊँ। लेकिन हाँ, लोग समझदार हैं और लोग देख रहे हैं हर किसी शख्स का, हर किसी राजनीतिक दल का जो रोल इस वक्त है जम्मू कश्मीर को लेकर, वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और सब याद रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिर। धन्यवाद। दर्शकों, हमने सबने देखा 2005 में कला केंद्र का उद्घाटन हुआ। कला केंद्र का उद्घाटन स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने किया और एक आकर्षण का केंद्र था।
लोग वहाँ पे एग्जीबिशन लगाते थे या फिर कलाकृतियों की जो गतिविधियाँ होती थी कलाकारों की वो इस कला केंद्र में होती थी। लेकिन आज हालत ये है, आलम यह है कि ना इस कला केंद्र में बिजली है, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, पानी से पहले ही लोग और कलाकार और जो पार्टिसिपेंट होते थे पहले ही हाय तोबा करते थे। ये 1995 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, फॉर्मर केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कल्चरल सेंटर बनाने का आश्वासन दिया। प्राइम लोकेशन है विक्रम चौक, आप सबने देखा होगा, इतना पैसा खर्च किया गया, लेकिन रख रखाव नहीं होने के कारण आज आलम यह है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, न बिजली है न पानी। ये तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है बींग एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्टों को जब वो अपना वर्क बना लेते हैं, कुछ अपनी कलाकृति बनाते हैं, तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो जहाँ पे वो अपनी कला को दर्शा सके। तो सबसे बुरी बात यही है कि हमारा कला केंद्र जो था कि एक टाइम में बड़ा अच्छा, बड़े चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन की थी, लेकिन आज उसकी दशा बड़ी बुरी हालत है कि वहाँ पर तो ना तो आप बिजली है, 5-6 महीनों से बिजली नहीं है, ना वहाँ पे कोई पानी की सुविधा है, ना सैनिटेशन की वो सुविधा है। कोई आता है तो कोई कह नहीं सकता कि ये कोई खंडर बन चुका है कि जो डेट में हम कहा जाए। तो उसमें सबसे पहले देखो, अभी हम मुबारक मंडी की देखते हैं कि वहाँ पे हम रेस्टोरेशन के लिए कितनी मुहिम चलाते हैं, कैंपेन करते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन हमारे जो कला केंद्र है अब ये उसी कंडीशन में जा रहा है कि इसकी हालत वही दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को या कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इस जगह को जितना भी प्रॉपर यूज़ किया जा सके, यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि हमारे शहर के बीचों बीच में है और यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन इतनी अच्छी लोकेशन होने के बावजूद भी इसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि कोई इसको देख ही नहीं रहा, कि जैसे कोई इसका कोई कहते ना कि माँ बाप कोई नहीं है, बस ऐसे बना कर इसको छोड़ दिया है। तो ये मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, हालांकि हमें बड़ी आशा थी कि यहाँ पर जी पहले तो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होती है या जो भी होती है, तो अब तो यूनियन टेरिटरी बनी चुकी हुई है हमारी J&K, तो कम से कम इस तरफ ही हमारा गवर्नमेंट का या गवर्नर साहब का उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इस चीज़ की ओर ध्यान दें ताकि जो हमारे आर्टिस्ट हैं अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। दर्शकों, हमने कलाकारों से विस्तार से बातचीत की और कलाकार आहत हैं। उनको लगता है कि एक केंद्र जो उनके लिए बनाया गया था, सरकार और मैनेजमेंट उसका रखरखाव नहीं कर पाई। सच्चाई ये है कि जो मेंटेनेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इस मेंटेनेंस के फैक्टर को नज़रअंदाज किया गया और आज एक खंडर के रूप में बदलता जा रहा है। हर एक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो कला केंद्र के लिए जगह मिली थी उसको भी आवंटित कर दिया गया, सरकार की तरफ से किसी पेट्रोल पंप वाले को दे दी गई या दीगर किसी दूसरे लोगों को दे दी गई है। निराशा है कलाकारों में। जब से ये कला केंद्र का वजूद में आया है हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये इनफैक्ट इसकी शुरुआत PG धर चक्रवर्ती ने की थी, IAS ऑफिसर जो JDA के चेयरमैन थे उन्होंने, और तब हमारे साथ एक मीटिंग भी की थी इसके डिज़ाइन को लेके। असल में ये कला केंद्र जो है ये भारतीय सरकार की मदद से बना है, उनकी कोई स्कीम थी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की,
और ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में इसका शिलान्यास किया गया था, जिसमें कला केंद्र सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके साथ एक साइंस म्यूजियम बनना था, एक ऑडिटोरियम है, ओपन एयर ऑडिटोरियम था, और दूसरी बड़ी जगह चीज़ें बननी थी जो अभी तक बनी नहीं है। सिर्फ कला केंद्र ही बन के बिल्डिंग बन के रह गई है, और वो भी जिस हिसाब से यहाँ अलग अलग जो गवर्नमेंट्स आई हैं, सरकारें आई हैं, और उनका जो कला को लेके एक रुझान रहा है, उसकी वजह से आज कला केंद्र जो है एक इस हाल में है कि यहाँ बिल्कुल एक खाली बिल्डिंग में कुछ तस्वीरें टंगी हुई हैं। तो फॉर्चुनेटली मेरा ही पहला सोलो एग्जीबिशन हुआ था, जो हमारे फॉर्मर सीएम जो हमारे जम्मू खत्ते से थे गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने ओपनिंग किया था। लेकिन उन्होंने वो वहाँ पे स्पेशल आए थे देखने के लिए कि ये बना क्या है, वो उनका पहला पब्लिक मीटिंग भी था। लेकिन जब उन्होंने वो पीछे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था मेरे शो के दौरान, तो उन्होंने तब भी ये बात बोली थी कि आगे से तो बिल्डिंग इतना बड़ा है, पीछे इतना एरिया क्यों छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा गया है। और क्या था कि वो उन्होंने ये शब्द भी यूज़ किया था कि ये लग रहा है जैसे सफ़ेद हाथी बना दिया। तो आज वो उनकी बात वो तब से लेके अभी तक वो सही साबित हुई, अभी वो सफ़ेद हाथी ही बन के रह गया है। क्या है कि इसकी इतनी सारी जमीन थी कि ये बेरोज तक लगता था एक राजा का एरिया। ये चक्रवर्ती साहब का इनिशिएटिव था, इसको प्रस्यू किया उन्होंने, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही हम 370 के अंदर ये जम्मू वाले दबके रह गए वो। लेकिन अभी क्या है कि वो अभी 370 तो चला गया, दो साल हो गए उस बात को। अभी हम माननीय एजी साहब से सिया साहब से ये गुजारिश करते हैं कि अब जो आर्ट एंड कल्चर जो होता है उस वही पहचान होती है एक शहर की, एक एक मोहल्ले की, एक एक जगह की, एक शहर की, एक कंट्री की, उसी से पहचाना जाता है। और आर्ट एंड कल्चर को इस नज़रिए से देखा जा रहा है, पिछले मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीनों से उसकी बिजली नहीं है, बाथरूम बंद है, और मेरे ख्याल में उस पर पावर कनेक्शन ही नहीं मिला है, मेरे सुनने में आया है। दर्शकों, जो इसको रन कर चुके हैं, जो प्रबंधन देख चुके हैं, इनके सुजन्य शर्मा जो फॉर्म केएस अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही हुई है, और एक अच्छा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक खंडर में तब्दील होता जा रहा है। उनका कहना है कि अपने हाथों से बनाया सवारा आज ये पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह घिरता नजर आ रहा है, और ये कलाकारों की तोहीन। देखिए, कला केंद्र जब तत्कालीन ह्यूमन रिसोर्स मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी जी जम्मू आए थे, तो वो ये एक जनरल कृष्णा राव उस समय के जो गवर्नर थे हमारे जम्मू के, माननीय गवर्नर थे, उन्होंने ये विचार किया कि जम्मू में कोई एक कल्चर सेंटर खोला जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 लाख की एक राशि दी, सोसाइटी बनाई गई, और सोसाइटी में जो उस समय के गवर्नर साहब थे उन्हें चेयरमैन बनाया गया, और एक सेक्रेटरी बनाया गया, और एक किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करके फिर वो सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 लाख रुपए दिए ये काम शुरू करने के लिए, और बाद में भी पैसे मिलते रहे, और इस तरह ये कल्चर जो कला केंद्र है ये बना। कला केंद्र की तीन फेजेस थी, एक पहली स्टेज में ये गैलरीज बननी थी, आर्ट और ये गैलरीज बननी थी, दूसरे में यहाँ रीजनल साइंस सेंटर, और तीसरे में प्रावधान था एक प्लानिटेरियम का। तो कला केंद्र जो बिल्डिंग अभी बनी हुई है इसके लिए, गैलरीज के लिए, ये तकरीबन 32 कनाल में है, 12.5 कनाल का जगह जो रखी गई है वो प्लानिटेरियम के लिए रखी है, और जहाँ पे आज की डेट में भी SRTC है वो जगह कला केंद्र को दे दी गई है, लेकिन इसके एवज में कला केंद्र JDA ने उनको नरवाल में 125 कनाल लैंड दी है, उन्होंने वो लैंड भी ले ली है, और इसको भी खाली नहीं कर रहे, और देखिए धीरे धीरे वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप एक खुला था, फिर दूसरा पेट्रोल पंप भी खुल गया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।